एम मोहम्मद अली, योर मैथमेटिक्स टीचर एंड यू आर ऑन यू लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में सबसे पहले आपने पावर रूल को समझना है। पावर रूल, पावर रूल, सबसे पहले आपने पावर रूल को समझना है। ये बिल्कुल फर्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन का, एक्स की पावर एन डी एक्स। एक्स की जो भी पावर होगी आपने उसमें एक जमा करना है, उसी पर डिवाइड कर देना है, साथ आपने सी लिखना है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपने प्लस सी साथ लिखना है। इसकी अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एक्स की पावर फोर डी एक्स, तो एक्स की जो भी पावर होगी उसमें आपने एक जमा करना है, फोर प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर प्लस वन प्लस सी, तो आंसर आ जाएगा एक्स की पावर फाइव ओवर फाइव प्लस सी। एक्स की कोई भी पावर आ जाए वन बाय टू डी एक्स, तो आपने क्या करना है, एक्स की पावर वन बाय टू प्लस वन, वन बाय टू प्लस वन प्लस सी, तो एक्स की पावर थ्री बाय टू, थ्री बाय टू प्लस सी। ठीक है, एक्स की जो भी पावर आपको दी जाएगी, बेशक वो पॉजिटिव है बेशक वो नेगेटिव है, आपने उसमें एक जमा करना है, उसी पे आपने डिवाइड करना है। ठीक है, अगर पावर नेगेटिव आ गई, फॉर एग्जांपल एक्स की पावर माइनस थ्री बाय फोर डी एक्स, तो सेम इसके लिए भी यही रूल है, पावर में एक जमा करेंगे, उसी पे आपने डिवाइड भी करना है और प्लस सी, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर वन ओवर फोर, वन ओवर फोर प्लस सी। जो पावर ऊपर है वो ही नीचे आएगी। सेम क्वेश्चन जिस तरह फार्मूले में लिखा हुआ है, एन प्लस वन, एन प्लस वन, फोर प्लस वन फाइव, फाइव थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, वन बाय फोर, वन बाय फोर, जो भी पावर होगी एज इट इज़ वो पावर नीचे आ जाएगी। अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थ्री इसमें कांस्टेंट है, थ्री को आपने बाहर निकाल देना है, एक्स का स्क्वायर डी एक्स, टू कांस्टेंट है, टू को बाहर निकाल लें, एक्स डी एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, अलग अलग हमने सबको लिख लिया। अब देखें एक्स की पावर टू है, टू प्लस वन, टू प्लस वन माइनस टू, एक्स की पावर वन है तो वन प्लस वन बाय वन प्लस वन प्लस वन, वन की इंटीग्रेशन एक्स, वन की इंटीग्रेशन एक्स। अब इसको लिखते हैं थ्री एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री माइनस टू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस एक्स प्लस सी। थ्री थ्री से कट गया, टू टू से कट गया, तो आ जाएगा एक्स का क्यूब एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट है इसका इंटीग्रल अंडर रूट एक्स प्लस वन ओवर अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो क्या करेंगे आप, अंडर रूट एक्स डी एक्स वन ओवर अंडर रूट एक्स डी एक्स, दोनों के साथ इंटीग्रल लगा लिया और दोनों को अलग अलग लिख लिया। इसके बाद देखें एक्स अंडर रूट डी एक्स, इसको ऊपर ले जाएं, इसको ऊपर ले जाएं, एक्स की पावर माइनस वन बाय टू डी एक्स। अब सेम रूल जो पहले मैंने आपको बताया वही आपने लगाना है कि एक्स की पावर अंडर रूट का मतलब है वन बाय टू, तो वन बाय टू प्लस वन, वन बाय टू प्लस वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन, माइनस वन बाय टू प्लस वन प्लस सी।
जब इंटीग्रल का साइन ख़त्म होगा तो आपने साथ सी लगा देना, एक्स 3/2 प्लस या आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। अब 3/2 ऊपर जाके आ जाएगा 2/3, एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2 ऊपर जाके 2/1, तो एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। ठीक है, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स, एक्स को मल्टीप्लाई कर लें, एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस एक्स 1 द एक्स डी एक्स। इससे पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंटीग्रल एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स प्लस एक्स 1 द एक्स डी एक्स, बे सेम है तो पावर ऐड करेंगे 1 प्लस 1/2 डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स। यहाँ पे एक्स और एक्स बे सेम थी, यहाँ पे ये वाला फार्मूला हमने लगाया कि ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। एक्स की पावर 1 है और एक्स की पावर 1/2 है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लेंगे तो इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स। इसके बाद देखें क्या करेंगे, पावर में एक जमा करेंगे 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 1 है, तो पावर में एक जमा करेंगे उसी पे डिवाइड करेंगे प्लस सी, तो एक्स 5/2 प्लस एक्स की पावर 2/2 प्लस सी, तो इसको लिखते हैं 2/5 एक्स की पावर 5/2 एक्स का स्क्वायर 2 प्लस सी। ये बिल्कुल स्टार्ट अभी इंटीग्रेशन का, अगर आपको कोई भी मसला मसाइल हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं।